किसी को बताना मत सर, बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। Maybe it's too heavy for now. I'm gonna do something else. Inside everyone's head, I have the best body in the world. I just couldn't believe this is happening all over again. It was the hardest thing that I had to go through. The only person I had to blame was myself. That was my torso after Super 30. So within the radiology reports, it says that he's got a few slipped discs. My left leg is shorter. Yeah, naturally. Which is why it is having a reaction in my spine. And they were giving me a month to get in shape. And I told them I will need 6. And they laughed. There was a very slim chance that we could pull this off. कुछ नहीं होना। किसी को बताना मत। बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। Maybe it's too heavy for now. Do something else. I need to prove it to my kids, to myself. Life is worth it. Thank you.
चाहिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एक साथ आने के लिए. फाइनली हमें आपने बहुत इंतजार करवाया. बट लुक एट दैट मैन. अच्छा थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए इफ यू डोंट माइंड. 2 मिनट्स. ऑलराइट थैंक यू. 53.53 crores. अब तक मेरे मन में सिर्फ यही नंबर चल रहे थे. व्हाट अ ब्लॉकबस्टर ओपनिंग. सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. और हमने बात की थी इसके बारे में. होपिंग द फिल्म विल डू वेल. कैसे लग रहा है? डू यू फील एक्सटैटिक? Well, welcome to everyone. Thank you for being here. Very happy. Mere liye it is a bit of a celebration. It is a milestone. But as I have been taught very well, do not count your chickens before they all hatch. A few of them have hatched. A few milestones are still left. I am very happy. I am feeling absolutely incredible. Because the true celebration of this film has actually been the journey, the experience of working with all of us together. That has been my celebration. Today I'm feeling relieved. I'm feeling a little bit of love, a little bit of warmth. I feel connected to the audience, to the world. So thank you. That's all. Thank you very, very much. You know, मैंने बहुत मिस किया आप दोनों को एक साथ. एंड ट्रस्ट मी एज अ फैन, ओके, जस्ट एज अ फैन, नॉट एज समबडी फ्रॉम द मीडिया, मैंने इतना इंतजार किया कि कब खालिद और कबीर एक साथ आएंगे. और अब वो मोमेंट यहाँ है. टाइगर, ड्यूरिंग द प्रमोशंस मुझे याद है कि आप दोनों ने एक छुपा छुपी खेली कि जहाँ पर वो जाएंगे तो आप उनके बाद जाएंगे. मेरे साथ भी इंटरव्यू अकेले अकेले हुए. तो मुझे बताइए, डिड यू मिस रितिक इन द प्रमोशंस? I kept telling him. और कभी कभी ऐसा होता था कि सबसे पहले सॉरी हेलो हाई एवरीबॉडी थैंक यू फॉर ऑल द लव. थैंक यू. आई लव यू. थैंक यू. थैंक यू. एज आई वॉज सेइंग हम लोग एक ही बिल्डिंग में प्रमोट कर रहे थे YRF में. और हम लोग जब भी क्रॉस करते थे एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल ही यूज्ड टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास, आई यूज्ड टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास, एंड वी यूज्ड टू लिटरली जस्ट स्टिक आवरसेल्व्स ऑन द वॉल बिकॉज वी आर सो क्लोज येट सो फार. बट मेरे लिए खासकर जब इस वॉर मैंने साइन की थी, सिद्धार्थ सर नरेट कर रहे थे मुझे और उन्होंने कहा कि यार इट्स अ डबल हीरो फिल्म एंड यू गोना बी ऑपोजिट ऋतिक रोशन. तो फॉर मी आई थॉट कि यार इस वॉर तो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ क्योंकि मुझे एक मौका मिल रहा है मेरा हीरो के साथ काम करने को. सो आई एम लाइक व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर. एब्सोल्युटली. यू नो देयर्स एक मीम है जो इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हो चुका है पिछले 3 दिनों में. और वो मीम ये कहता है लड़कियों के लिए कि आई विश समवन लुक्ड एट मी लाइक टाइगर लुक्ड एट ऋतिक इन द फिल्म. और ये मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा या मैन या. रिएक्शंस क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? ऋतिक, आई लव टू हियर फ्रॉम यू. व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज बीन लाइक व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर? आपने तो ये भी कहा स्पॉइलर्स मत दीजिए, तो क्या लोग मान रहे हैं ये बात? आई थिंक रिएक्शंस के ऊपर जो जिसका सबसे ज्यादा फोकस है, लेट्स आस्क हिम, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म सिद्धार्थ आनंद. Can you repeat the question? Reactions जो फिल्म की आ रही हैं ट्विटर पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर यू नो पीपल टेलिंग यू स्टफ, सबसे खास वाला इज देयर अ रिएक्शन दैट यू रिमेंबर कि लोगों को ने क्या कहा? जैसे ये मीम मुझे याद आ गया. आई थिंक ये मेरे लिए ऑनेस्टली एक बहुत नया एक्सपीरियंस है. ऑनेस्टली मैं एक्चुअली आई एम नॉट ऑन ट्विटर बट the reactions I'm getting people's forwards off Twitter is unprecedented. I think agar aap hashtag war type karenge Twitter pe aapko puri duniya ka feedback milega. It is 100% amazing, which is a very very new experience for me. I think because I make commercial films and commercial films ka I think across the world ek template hai, which is you get a little bit of mixed reactions. I think
for example, like Michael Bay is the biggest director in the world, biggest franchise, he's got Transformers. He always gets mixed reactions for all his films, but they do amazing business. Yeah. So I think, but yahan par business bhi acha hai and reactions are amazing. So it's a very new feeling for me. Yeah, yeah. And I think industry ke liye bahut achhi baat hai because we need positivity in our lives. Exactly. All right, all of us. And festive season hai, aur festive season se pehle aapne hume industry ko Diwali de di hai yaar. Please, inke liye zordaar taaliyan ho jaye. I mean, I'm someone who works in this space and I just want to say it's so nice to smile and talk genuinely about a film that's doing well. Before we throw open, you know, audience questions, kyunki bahut sare dost hain media se, one word for the lady standing tall, aapke bagal mein, film mein. I'm a huge fan of Vani, okay, after war. Lekin, you got to tell us a few words about working with her in this film. You know, I am somebody who actually is only as good as the actor that's standing opposite me. So, in every single scene that I had to play with Vani, whatever I could do, 50% of that was her. And I was only reacting. It has been an incredible joy and I feel a lot of gratitude that we had an actor who is so incredibly spontaneous, strong, and yet vulnerable and open with her, with expressing her feelings when she's on camera. Yeah. Vani, you are an incredible actor, and I'm so happy that I got to work with you. This is so beautiful. Thank you. All right, this is just for me, okay? Both of you, Tiger and Hrithik. One secret about the other. जो हम finally media के सामने share कर सकते हैं, एक ऐसी चीज़ जो Tiger आपने रितिक के बारे में जाना थ्रू द मेकिंग ऑफ वॉर. रितिक सर का फेवरेट खाना समोसे है. He loves समोसा. वो सीक्रेट कहाँ रहा अभी? रितिक. खुली किताब है यार. यू ही इज गॉट ही इज जस्ट एवरीथिंग ही फील्स इज ऑन हिज फेस. आई थिंक Tiger's USP is ke jo uske andar jo ho raha hai, that shows on his face, which is why I feel that he is somebody who is going to grow into one of the biggest stars Indian film industry has ever seen. Aur isi ke saath saath, of course, I'm sure my friends from the media have a lot of questions. Aap sabko personally ek aakhri baar meri taraf se mubarakbad. And ab of course aap logo tak hum mic pahunchayenge. सवाल जवाब का तरीका एक ही होता है. हाथ ऊपर कीजिए, माइक आप तक आएगा और सवाल पूछिए उस इंसान से स्टेज पर जिनसे आप ये पूछना चाहें. वुड बी नाइस इफ यू टेक देयर नेम प्लीज. थैंक यू. टाइगर, रितिक एंड टीम वॉर, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम. थैंक यू. थैंक यू. या थैंक यू सो मच. वी विल जस्ट वेट फॉर द चेयर्स. वी हैव बीन स्टैंडिंग फॉर टू लॉन्ग एट वॉर. वी आर क्वाइट टायर्ड नाउ. अब बैठ जाते हैं थोड़ा सा, है ना? आज thank you. Thank you. Love you. Woo! Sorry Simran, we'll let you ask your question again, ठीक है? हाँ हाँ, please. बोलिए. ओके सो टाइगर, आपने अपनी लास्ट फिल्म में कहा था कि दिन तेरा है साल मेरा होगा. एंड ऋतिक सर, आपने भी कहा था कि सबसे लंबा छलांग हम ही लगाएंगे. सो इट सीम्स दैट इट हैज बीन प्रूवन विद दिस फिल्म. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट, दिस सक्सेस? बिकॉज दिस इज अ टू हीरो फिल्म, अ ट्रेंड विच इज नॉट सो मच ऑन द कार्ड्स. हम ऐसे अक्सर नहीं देखते. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? सॉरी, व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट? ओके, समथिंग दैट यू सेड. नहीं, सो इनका टाइगर सर का लास्ट फिल्म का डायलॉग था कि दिन तेरा होगा साल मेरा होगा. एंड आपके सुपर 30 का डायलॉग था कि सबसे लंबा छलांग हम ही लगाएंगे. So it seems that has been proven with the film. I guess the next time we say something, you all should trust us. Good one. But what do you want to say about the trend, a two hero trend, जो ऐसे अक्सर हमें देखने नहीं मिलता था, and it has been received so much success, so much love, and you are standing toe to toe with Tiger, and there's so much of love. I think to pull off a two hero film, you really need two people who really have honest and real admiration and love for each other. If not, the director is dead. वो मर जाएगा आदमी. सो आई थिंक विद टाइगर आई जेन्युइनली फील सो मच लव एंड सो मच एडमिरेशन फॉर द पर्सन ही इज, फॉर द एक्टर ही इज,
And I think that is, without that, I don't think it's possible. Yeah. Tiger, what do you want to add about it? I think adding to what Ritik sir had said, or jaise main abhi keh raha tha ki yaar, jis din mujhe pata chala ki I'm doing a two hero film with Ritik Roshan, I said ki yaar, isse bada mauka hai hi nahi. And one of my, you know, things are checked off from my to-do list in my life before I, you know, move on. But this has been an educational journey. It's been an empowering journey. Aur main is film ko khaskar bahut zyada manta hu kyunki he is literally somebody who I look up to. So it was very easy in a way for me to relate to my character, because my character looks up to his character in the film as well. So I think, like he said, it's a very genuine feeling. And I did it as honestly as I could and as real as I could. So, yeah. Hi, Ritik, Samne, Madhu, BBC Hindi se, Samne aapke. Sabse pehle to big congratulations aapko, kyunki back to back do success, ek behtareen film rahi, Super 30 aur War. To kya kehna? Bahut shukriya, thank you. Kya kehna chahenge, because ye saal aapka raha. Thank you. Thank you very, very much. Main khush kismat hu that I had films that I was so empowered by. I felt so much love and so much passion for both the films. I guess after this, I feel very, very encouraged. Aur mere khayal se, from now, I'm going to set my benchmark even higher.